मन नहीं लगता तेरा, कभी कभी उखड़ जाता है। तो कभी कभी उखड़ जाता है तो उस मन को ला करके वहीं लगा दे, इतना ही कर ले हमारे कहने से। चाहे कितना भी मन उखड़े बस उसको ला करके वहीं लगा दे। वहाँ पे बदमाश कहीं कर तू कहाँ भागा जा रहा है, और कह करके उसको वहीं लगा दे। गलती बतला रहा हूँ तो ठीक होता है, यही कर ले तू, और क्या एक काम कर। कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है। अरे ये तो बड़ा गलत, ये बाबू जी कहाँ के बाबा मेरे दामाद है बड़े बड़े। तो वही होगा जो किसी से पूछ भी मांगेगा नहीं लेगा नहीं। आपसे कहना यही है कि चाहे कुछ हो जाए आप किसी से कुछ मांगे नहीं, आपके मन में कभी अशांति होगी नहीं। वाह वाह जय जय गुरु जी की। अरे जय गुरु जी की विराज जाइए, इस चटाई पर विराज जाइए। अरे राम बाला बाबू जी, बाबा आपके क्या लगते हैं? मेरे समधी साहब। तो समधी साहब जी मेरी लड़की बड़ी, इनके ससुर। अच्छा जी, तेरे ससुरा जी हैं। मारवाली लोग तो ससुर ही नहीं कहते, ससुरा जी कहते। हमने सुना है मारवालियों को कहते, तो उसी को नकल कर रहा हूँ। तो सरकार आपका स्थायी निवास कहाँ है? वैसे कोई ज्ञान नहीं था ना, तब तो बड़ा हॉस्पिटल फिर ले गए लोग, वहीं दो तीन दिन रहे, वहाँ ऑपरेशन हुआ। बड़ा अच्छा। तो हम आपकी क्या सेवा करें सो बताइए। आपने बता दिया ना, संतुष्ट रहना था, कोई सेवा ही नहीं। तो अगर यही आप रह जाइए तो हमारा काम तो हो ही गया। आप संतुष्ट रहिए, निरंतर चाहिए कुछ नहीं, बस यही सेवा। तो ये सेवा कर लो, तुम्हारे पति देव नहीं पिताजी, पिताजी के पति। हाँ मेरे पिताजी। हाँ तो पिताजी हो चाहे कोई हो, अगर मनुष्य का मन संतुष्ट नहीं है तो उसको सुख की अनुभूति नहीं होगी। चाहे कुछ हो जाए मन संतुष्ट रहना चाहिए, उसके बाद चिंता उसको होगी। विकार का कारण मन ही तो है। हाँ बस ठीक बाबू जी, जान गए विकार के कारण में। मैंने कारण तो पीछे होगा, कारण में अगर थोड़ी भी विकृति है तो टाटा फिर संध्या है, और तो क्या तो बाला बाबू इन लोगों को क्या कलेवा बढ़िया से करा में बनवानेंगे, क्योंकि तैयार तो हमारे के यहाँ कलेवा बाबा जी को कलेवा कर देने एक दफे खाते हैं तो इसका कहा। अब सांझ को हम 6 बजे खाएंगे, तो 6 बजे तक बाबू जी भूखे रहेंगे। कुछ जलपान चूचा और भी अल्पाहार भी हुआ है। तब फिर क्या, चाय पान भी हुआ है, चाय पान भी हो गया। बाबा क्या आपसे तो कमी कुछ रही। ये छोरी बार बार हंस करके हमको चिढ़ा रही है। लाली बेटी तुम्हारी बात बुरी तो नहीं लगी? नहीं बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। तब तो मैया तुम ही हमारी जब पक्ष में होगी तब तो बात सच्ची लगेगी। मानेंगे तो क्या बोल रही है? अपनी कोई भाग डाल का ग्रास तो होता नहीं कि हम परसते हैं गपा गप करके खा जाओ। अपनी तो आत्यंतिक प्यार अगर तुम्हारे अंदर है, भगवान से कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं है, तुमको विनायत हमारा कान पकड़ के खींचना खूब जोर से। अरे बाप रे कान फटा जा रहा है, तो बाबा जी आपने कहा था कि कान खींचना, तो कान खींच रहे। तो क्या बैलून फूट जा रहा है, काम चल जा रहा है, रोटी दाल साग भात चार चीज अगर चल रही है तो हम कमा के करेंगे क्या? ठीक बात है ना, तो आप हमारे पक्ष में हो गए बाला बाबू, हमारे पक्ष में रहेंगे ये। आपका आशीर्वाद बस है, पक्ष में क्या है? आप पक्ष में कुछ आपके आशीर्वाद के साया में रहेंगे। बाला बाबू जी गाली बता रहे हैं। बाबा 11 बज गया।
हम कहते हैं कि 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 बज जाने से 6 बजे हमारे खाने का समय हो जाएगा, चले जाएंगे। इतने के लिए तैयार नहीं है। जब तुम्हारे पास पैसा रह के क्या करें? तुम्हारे पास पैसा है, हमारे पास ये कुछ दाम भी नहीं है, छुआ ही नहीं आज तक। 80 वर्ष हो गया हमने पैसा छुआ नहीं है। तुम पता लगा लो कि बाबा जी क्या करते हैं। अब तो हमारे पास जिसको कहते हैं लीनियंस हो जाना, बाबा ले बाबा जा रही कहाँ? हम आए थे सुधीर बाबू के साथ। सुधीर बाबू तो लिखे हाँ, हमारी कंपनी आए थे आँख बनवा दे, उनको मिलने आए थे, चली गई कपड़ा। और भैया जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हैं। भैया बड़ी शांति मिल रही है। अरे बड़ी महंगी चीज है भैया, शांति लेना और चीज है, भक्ति लेना और चीज है, शांति मिल रहा है। तो हम कह रहे हैं कि हम कहते हैं कि शांति तुमको नहीं देनी। अगर शांति का अर्थ है कि तेरा मन चंचल न हो, इसका प्रयास तुमको करना पड़ेगा। अगर तुम इसके लिए प्रयास करती हो तो तुम्हारा मन चंचल हो गई, और अगर तुम बात खाली बनाती हो उससे क्या हम मान लेंगे कि तुम बड़ी प्रयास करने लगे? बहुत नहीं, थोड़ा सा प्रयास कर। तो थोड़ा सा प्रयास से नहीं होगा, राम जी पूरी परीक्षा ले लेंगे। अगर पूरी परीक्षा में तुम पास हो जाती है तो तुमको भक्ति दे दें, और अगर उसी में टाइम टाइम की उसके लिए मुआवजा। अरे छोरा आगे भी लिखा, ईमानदारी से जी सके तो भी हरिश्चंद बनना। हरिश्चंद बनने की बात नहीं है, हम जो पूछ रहे हैं कि उसमें क्या तेरी डिफिकल्टी क्या है? मेरी डिफिकल्टी ये है कि एज पत्नी मुझे अपने पति से मोह है, और मेरे पति के प्राणों की कीमत मात्र 200 रुपया है। यदि वो चेन को तोड़ने की कोशिश करेगा तो कुछ ऐसे लोग होते हैं उन्हें दो नोट पकड़ा दो और मेरे पति को मार के जंगल में फेंक देंगे और मैं उनकी लाश दूँ। यदि वो चेन को तोड़ने का प्रयास करेंगे तो लिहाजा मैंने फिर पकड़ा कि मुझे आपकी जरूरत, आपकी ईमानदारी। आप जीवित भी नहीं चाहते, मैं आपके प्राण नहीं रहूँगा। जाने दीजिए, जो चल रही है उसको ऊपर वाला सही करेगा चक्री। हाँ मन आप भाई बेटी, तेरा विचार बहुत सम्यक विचार है, और मैं बड़ा प्रसन्न हुआ तेरी बात सुनकर। इसलिए भी कौन क्या हमारे पास कोई शक्ति तो है? बहुत शक्ति लाली बेटी, इस बात में तुम्हें दुखा नंबर एक। दोनों बात एक साथ नहीं होती, या तो तुम मेरी शक्तिमत्ता पर विश्वास कर लो, तो शक्तिमान व्यक्ति इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, और अगर नहीं विश्वास करते तो क्या कैसी संज्ञा है और कुछ करने की बात है? तो यदि आप में नहीं शक्ति है तो हम भगवान की शक्ति, आपको शक्ति भगवान देंगे। भगवान मर गए क्या? अगर आपके ध्यान में है कि भगवान भी मर गए हैं तब तो आपको कोई शक्ति देने वाला है ना? तो हम न मरेंगे, वो न मरेंगे। आपको कौन कहता है कि भगवान के सिवा किसी दूसरे से मांगी? आप भगवान से तो शक्ति मांग नहीं सकती है। दर्शन करने आई हो तो तुमको कौन कहता है कि तुम खाली प्रसन्न करो? दर्शन करना और चीज है, नेत्र का विषय दर्शन विषय, आंखों का विषय किसी को बना लेना हो सकता है, लेकिन उनके साथ व्यवहार करने में तुमको सोचना पड़ेगा कि ये ईमानदार हैं कि बेईमान नंबर एक है। अगर तुमको प्रतीति हो कि बेईमान नंबर एक है तो उनके साथ व्यवहार का संबंध जो नहीं दिखे, और अगर पता नहीं चाहे प्राण या झूठ नहीं बोले उनके साथ व्यवहार कर। लेकिन दो वाक्य में ही हमारा बात हमारी प्राण की और कुछ कहना है? अगर कुछ नहीं कहना तो फिर परमानंद से रहो, जहाँ रहो भगवान तेरा मंगल में भाव सदा रक्षा करें, उस भाव की रक्षा करें, हमारा भगवान से ही विनय रहे।
जो सत्य पर परिष्ठित होना चाहिए उसको आकर्षित कर हमारा सरकारी लेकर के लिए जाओगे जहाँ जाना हो जाओ कहाँ जाओगे छोटी बहन यही रहती है मेरे अभी तो उसी उसकी अभिरुचि हो हम आशीर्वाद समझते हैं पहले तुम्हारी गतिविधि कैसी है इसकी जाँच नहीं हो जाएगी तो हम पैसे अरे लाली बेटी नंबर अगर हम जानते होते तो हम क्या झूठ बना करके कहते हमें कुछ पता नहीं है कि बेटिया की गतिविधि कैसी है किसी बीमारी की लेकिन उसके साथ पूजा नहीं तो नहीं हम वो खाएंगे वो खिला देंगे गीता प्रचार में लगने लगा हम कहते हैं गीता प्रचार के बदले 10 गीता प्रचार लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में परिस्थिति नहीं है तो तेरा गीता प्रचार करना तीन कॉपी की कीमत है हमारी दृष्टि में उसकी कोई कीमत नहीं सबसे आज तुम्हारे सामने लगाई है तुम कहाँ के रहने वाले जो पढ़ा थी ये तो पकड़ने को है क्या सच बात की बात बनाने में कौन से कोशिश करती है कोशिश करना और चीज पर सचमुच सचमुच योग्यता है कि नहीं किसकी का कौन सा खाका बनाने की स्वयं चिंता करें क्या पूरी योग्यता नहीं जो पूरी करने का प्रक्रिया आगे प्रयास करो बहुत बढ़िया कार्य है लेकिन जब तक ये प्रयास नहीं कर रहे हो मन लगे मन नहीं लगता तेरा कभी कभी